सुप्रभात बच्चों, मैं वर्धमान स्कूल से आपकी हिंदी की टीचर पाठ 4 अभिनंदनीय भारत आपको समझाने जा रही हूँ। अभिनंदनीय भारत, जैसा कि आपको शीर्षक से ही समझ में आ रहा है कि इस पाठ में भारतवर्ष का अपने देश का अभिनंदन किया गया है। अपनी जन्मभूमि और अपने कर्म भूमि के प्रति निष्ठा रखी गई है। कभी अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि भारत की को फूल चढ़ाकर पूजा करना चाहता है, वह जन जन तक अपनी वंदना करता रहेगा। भारत इसके लिए महिमामान है, गौरवशाली है, यह उसकी माँ के समान है और इसी से उसका प्राण इसी में बसा है। इसी के लिए वह जीना और मरना चाहता है। जन्म जन्म तक वह इसकी साधना करेगा। वह अपने देश भारत पर अभिमान करता है। भारत का मुकुट हिमालय है जो सारे संसार में जगमगा रहा है। इसके पांव में सागर है जो रत्नों से भरा है। भारत की संस्कृति, इसका आदर्श आज भी विश्व में दुर्जेय है। यह भारत स्वतंत्रता का शाश्वत दीप जला रहा है और अविराम अपने पद पर आगे बढ़ता जा रहा है। कभी हमेशा इसकी ज्योति को सुरक्षित रखेगा और इसकी पूजा करता रहेगा। यह कविता का सारांश है, ये मैंने आपको बता दिया। जिसका मुकुट हिमालय जग जग मगा रहा है, सागर जिसे रत्न की अंजलि चढ़ा रहा है, वह देश है हमारा, ललकार कर कहेंगे उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, हम अर्चना करेंगे। इसमें कवि कहता है कि भारत महिमावान और गौरवशाली है। इसका मुकुट हिमालय है जो सारी दुनिया में जगमगा रहा है। भारत के पास रत्नों से भरा सागर है जो हिमालय के पैर को पखारता है। कभी ऐसे देश को जन्म लेने की वजह से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वह कहता है कि इस देश से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। भारत से अलग रहकर वह जी नहीं सकता। वह तो केवल उसकी पूजा अर्चना करना चाहता है, क्योंकि इसी से उसका जीवन है और इसी से उसके अस्तित्व की सार्थकता है। अगला है लास्ट पैराग्राफ, शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है, विश्वास है कि पल भर रुकने उसे न देंगे, उस ज्योति की शिखा को ज्योतित्व सदा रखेंगे, हम अर्चना करेंगे। इसका अर्थ यह है कि कवि कहता है कि हाँ, भारत अब स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्रता का दीप अमर है, अर्थात कभी नहीं बुझने वाला है। स्वतंत्रता रूपी दीप राहगीरों को रास्ता दिखाएगा। कवि विश्वास दिलाता है कि वह पल भर भी इस रोशनी को धूमिल नहीं होने देगा, उसकी ज्योति को बरकरार रखेगा, उसकी लौ को हिलने तक नहीं देगा। कवि को अपने देश पर गर्व है, वह जीवन भर उसकी आराधना करना चाहता है। ये आपकी कविता का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। अब इसकी सही जोड़ी खालिस्तान और प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही जोड़ी है कर्म भूमि का भारत और मुकुट हिमालय, संस्कृति सुरभि और ज्योति शिखा। इसके बाद दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, पहले खाली स्थान में आएगा सुमन। दूसरा खाली स्थान तू प्राण है हमारी, खाली स्थान में आएगा भगनी समान तू है, भगनी। दूसरे खाली स्थान में, सॉरी, इसमें जननी आएगा, जननी समान तू है। तीसरा खाली स्थान है वह देश है हमारा, ललकार कर कहेंगे, इसमें आएगा ललकार। उसके बाद चौथा है आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है, चौथे खाली स्थान में आएगा अविराम।
इसके बाद अति लघुतरी का पहला प्रश्न है, कर्म भूमि का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है, कर्म भूमि का अर्थ है वह स्थान जहाँ हम काम करते हुए जीते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि जन्म जन्म भर किसकी वंदना करने की बात कहता है? इसका उत्तर है, कवि जन्म जन्म भारत की वंदना करने की बात कहता है। अगला प्रश्न है, भारत का मुकुट किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, हिमालय को भारत का मुकुट कहते हैं। उसके बाद है, सागर की अंजलि में क्या है? इसका उत्तर है, सागर की अंजलि में रत्न हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का दीपक किस तरह जल रहा है? इसका उत्तर है, स्वतंत्रता का दीपक अविराम बिना रुके जल रहा है। अब अगला लघु उत्तरीय प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। तो इस पहला प्रश्न है, जन्मभूमि और कर्मभूमि से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है, कवि के कहने का तात्पर्य है कि वह भारत जैसे महान देश में जन्म लेने का गौरव प्राप्त किया है, इसी देश को उसने अपनी कर्म भूमि भी बनाया है, अर्थात देश के लिए काम करते हुए जिएगा और उसी के लिए अपना प्राण न्यौछावर भी करेगा। इसके बाद प्रश्न है, कवि जन्मभूमि के लिए जीने मरने की बात क्यों करता है? इसका उत्तर है, कवि कहता है कि भारत उसकी जन्मभूमि है, उसकी यह जन्मभूमि माता के समान है, वह माता के लिए जीना चाहता है और उसकी रक्षा में अगर उसे प्राण भी देना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद प्रश्न है, देश की सीमाओं के संदर्भ में कवि ललकार कर क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर है, देश कवि कहता है कि भारत का मुकुट हिमालय है जिसके पैरों को बखारने वाले सागर में असीम रत्न भरे पड़े हैं। इस गौरवशाली देश के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह इस देश के बिना जी नहीं सकता। अब अगला प्रश्न है, संस्कृति को दुर्जेय सी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, कोई भी देश उसका मुकाबला नहीं कर पाया है, इस नाते वह दुर्जेय है। अगला प्रश्न है, कविता का केंद्रीय भाव 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। इसका उत्तर है, कवि भारत जैसे देश में जन्म लेने के कारण गौरवान्वित महसूस करता है, वह जन्म जन्म तक उसकी पूजा अर्चना करता है करना चाहता है, भारत की सभ्यता और संस्कृति अनमोल है, उसके उत्तर में स्थित हिमालय उसको और अधिक गौरवशाली बना देता है, दक्षिण में स्थित सागर रत्नों से भरा है, भारत स्वतंत्रता का दीप अविराम जल रहा है। अब है भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये केवल उच्चारण करना है इसलिए इसको कॉपी में नहीं लिखना है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। विशाल, हिमालय, शाश्वत, अविराम, अंजलि। तो इसमें इसका सही उत्तर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उसको देखकर लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है जन्मभूमि, इसका वाक्य प्रयोग है, हमें अपनी जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। दूसरा शब्द है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सभी चाहते हैं, ये आपका वाक्य प्रयोग है। और उसके बाद है साधना, तो इसका वाक्य प्रयोग है, कोई भी काम बिना साधना के नहीं होता है। उसके बाद अगला शब्द है दीप, मंदिर में दीप जलाया गया, आलोक, इसका वाक्य प्रयोग है, इस कविता के आलोक में सब तत्व फीके हैं। उसके बाद अगला प्रश्न 7 है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। पहला शब्द है अनुकूल, अनु उपसर्ग है और कूल मूल शब्द है, पराजय में परा उपसर्ग है, जय मूल शब्द है,
विक्रम में वि उपसर्ग है और क्रम मूल शब्द है। उपयोग में उप उपसर्ग लगा है, योग मूल शब्द है। अपकार में अप उपसर्ग लगाया गया है और कार मूल शब्द है। अनुसार में अनु उपसर्ग है और सार मूल शब्द है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। जन्म, इसको हिंदी में ये गलत लिखा हुआ है, शुद्ध करके इसको सही करके लिखना है। जन्म, रत्न, कर्म, धर्म, प्राण, चरण, प्रवीण। स्क्रीन पे आपको सही उत्तर लिखा हुआ है, इसमें से देख के आपको लिखना है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। प्रश्न 9, संज्ञा शब्द छांटना है। संज्ञा है मंदिर, मुकुट, ध्वजा, भारत, हिमालय, सागर। संज्ञा आपको मालूम है, संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये इस उस आधार पर इसको छांटेंगे। उसके बाद अगला शब्द है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है इसमें सागर। सागर का पर्यायवाची शब्द है समुद्र और सलील। दूसरा है पर्यायवाची पवन। पवन का पर्यायवाची है वायु, समीर। उसके बाद जग है, जग का पर्यायवाची शब्द है संसार, दुनिया। उसके बाद जननी, जननी का पर्यायवाची शब्द माता, माँ। और सुमन, सुमन का पर्यायवाची शब्द फूल, पुष्प। इसको डैश लगाकर भी आप कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद इस कविता का अर्थ, संदर्भ प्रसंग सहित कविता का अर्थ आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। मैंने आपको इसका सारांश समझा दिया था, अर्थ आप इसमें से देखकर कॉपी में लिखेंगे। इसके साथ ही आपका ये पाठ कंप्लीट हो गया है, आप इसको कॉपी में लिख लेंगे।